कि मोकामा और बोचहा में राजद के साथ रहने वाले स्वर्ण सेना के प्रवक्ता पुरुषोत्तम राज जी पलटू चाचा से सीखते हुए कुढ़नी में पलटी मार गए क्या? बोचहा की बात करते तो बोचहा आरक्षित सीट था, वहां हम चुनाव लड़ नहीं सकते थे। वहां पे भाजपा चुनाव लड़ रहा था, तो भाजपा से वहां के सवर्णों को नाराजगी इस बात से था, वहां के स्थानीय विधायक सुरेश शर्मा को हराने में वहां का स्थानीय सांसद ने काफी योगदान दिया। और उसे ज्यादातर बात है कि भाजपा ने कई जीते हुए एमएलसी और जीते हुए विधायकों का टिकट काटा, जिससे सवर्ण समाज में कहीं ना कहीं नाराजगी था। तो बोचहा में ये जो सवर्ण समाज को ये भाजपा हमेशा बरसों से अपना बंधुआ मधुर या बपौती समझते आ रहा था, उसको सबक सिखाने के लिए हम लोगों ने बोचहा में एक दूसरे पार्टी को वोट करके उसके विधायक को जीता है। बात रही मोकामा की, तो मोकामा में राजेश जी आपको हम स्पष्ट रूप से कह देते कि हम स्वाभिमान की लड़ाई मोकामा से लड़ रहे हैं। अनंत सिंह ही एक ऐसे नेता है जो अपने अलावा किसी 5 व्यक्ति को एमएलसी, विधायक या कुछ भी बनवा सकते हैं, लेकिन ऐसा हमें नहीं लगता कि ऐसा क्षमता किसी दूसरे पार्टी के नेताओं में है। दूसरे पार्टी के नेता अपना टिकट बचा पाना भी उनका मुश्किल होता है, दूसरे को दीवाना की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इस परिस्थिति में हमने स्वाभिमान की लड़ाई मोकामा में लड़ा, और बिल्कुल हम आरजेडी के भक्त नहीं है, ना हम जदयू का भक्त है, ना भाजपा के भक्त है। हमने पहले भी ये बात रखा था कि जो हमारा बात करेगा मेरा वोट फिराज करेगा, और जहां पे जो ऐसा उम्मीदवार है हमने उसका वोट किया और सपोर्ट किया है।